क्रिकेट खेल में हमने कई कहानियां सुनी है। ज्यादातर कहानी क्रिकेट प्लेयर्स और उनके संघर्ष के बारे में होती है, लेकिन क्या आपने कभी क्रिकेट और भूत प्रेत की कहानी का मिलाप कभी सुना है? ये कहानी बिल्कुल सच है और इसके मुख्य किरदार इंग्लैंड के लेजेंडरी फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। जी सही ही सुना आपने, ये वही फास्ट बॉलर है जिन्हें युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड टी20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड है जिनके नाम अनेक रिकॉर्ड दर्ज हैं। स्टुअर्ट ने इंग्लैंड के लिए 750 से भी ज्यादा विकेट्स निकाले हैं और टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतर गेंदबाजों में से एक है। अक्सर हमने बैटर्स को ब्रॉड की बॉलिंग पर लड़खड़ाते हुए जरूर देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर डेविड वार्नर इस बात को भले भांति जानते होंगे क्योंकि वो इतने बार स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉलिंग के शिकार हो चुके हैं। पर ऐसी क्या नौबत आई कि स्टुअर्ट ब्रॉड एक बार खुद भूत प्रेत के चक्कर में फंस गए? तो ये बात है साल 2014 की, जब इंग्लैंड टीम मेलबोर्न के लैंगहम होटल में ठहरी हुई थी। तब स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनके होटल रूम में रहस्यमय घटनाएं होने का दावा किया था। स्टुअर्ट ब्रॉड इस वाक्य से इतने डरे हुए थे कि उन्हें रातों रात अपना होटल रूम बदलना पड़ा। कुछ इस प्रकार से ये पूरा वाक्य घटता गया। 2014 में स्टुअर्ट ब्रॉड जब लैंगहम होटल में रुके थे तो उन्होंने बताया कि वो रात को अचानक से डर के मारे उठ गए क्योंकि उन्हें एक इंसान की उपस्थिति महसूस हुई। स्टुअर्ट ने कहा कि ये उनके लिए एक सबसे डरावनी और अजीब अनुभव था क्योंकि रात को वो जब उठे बाथरूम का नल अपने आप शुरू हो गया और जब उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन करी तब वो नल वापस अपने आप बंद हो गया। स्टुअर्ट के टीममेट बेन स्टोक्स ने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया था, जो साबित करता है कि ये स्टुअर्ट ब्रॉड का वहम नहीं हो सकता। उसी साल के समर में इंग्लैंड टीम वापस लैंगहम होटल में ठहरने वाली जरूर थी, लेकिन सारे प्लेयर्स के वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स ने वहां रुकने से मना कर दिया था। लैंगहम होटल के अगर हम इतिहास की ओर एक नजर डालें तो इसे दुनिया के सबसे हॉन्टेड होटलों में से एक माना जाता है, खास करके रूम 333, जो ऐसा कहा गया है होटल के वेबसाइट के अनुसार सबसे हॉन्टेड है। साल 1973 में बीबीसी के अनाउंसर जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन जब रूम 333 में ठहरे हुए थे, उनकी नींद अचानक से खुल गई और उन्होंने जो देखा वो विश्वास से परे था। उन्होंने एक फ्लोरेसेंट बॉल को देखा जो धीरे से एक आदमी के रूप में बदल गया, जिसने विक्टोरियन के कपड़े पहने हुए थे। जेम्स ने उस भूत को पूछा उनको क्या चाहिए और वो भूत जेम्स की ओर बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन से लगभग 2 फीट नीचे कटे हुए थे और बाहें फैले हुए थे। ये डरावना दृश्य देख के जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन उस रूम से भाग पड़े। ये सब सुन के स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन तो क्या, हर कोई डर जाएगा। तो ये थी कहानी स्टुअर्ट ब्रॉड की, जब उन्हें अपने रूम में भूत प्रेत का होने का एहसास हुआ था। क्या लगता है आपको, क्या लैंगहम होटल सच में हॉन्टेड है या ये सिर्फ एक दिमाग का वहम है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स कीड़ा।